देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस को, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़ारती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं मदरसों के ज़रिए। आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है उसमें मदाखलत करेगा? यह मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है? आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें? तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमजोर कर रहा है, जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए? जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े अल्लाह के मैसेज के नाम पर। जिहाद, जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये सारी पिटीशन ड्राफ्ट भी की है और इसके बारे में इनके तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं कि इसमें आपने इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए, जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है, तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा है कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते, और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है।
ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें प्रेयर की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड, जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीके से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल यह है कि कुरान पाक का एक जेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक आयत को न निकालने की बात की, न हटाने की बात की। लिहाजा कुरान में ये जो कहा जा रहा है कि आतंकवाद की दावत देती है तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक ये कहता है कि लकुम दीन अकुम वले या दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। क्या मदीने में रसूलुल्लाह के ज़माने में यहूदी नहीं रहते थे? क्या रसूलुल्लाह ने यहूदियों को कत्ल करा दिया मदीने के रहने वाले? वो अपने दीन पर रहे, रसूल इस्लाम अपने दीन पर रहे। इस्लाम मजहब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक तो पैगाम अम देता है, रसूल तो रहमतुल आलमीन है। मैं साबिक चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के इस बयान की भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूँ। और 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक जेर और एक ज़बर तो हटा के देखे तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। यह कुरान है या आपके घर की लिखी हुई किताब नहीं है,